अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शबीर चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रॉन्स किचन। फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताऊंगा किस तरह जेड प्रॉन की कटिंग लगाई जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये जेड प्रॉन मैंने तकरीबन 6 माह पहले लगाया था। इसी मैंने कटिंग लगाई थी। मेरे पास एक बहुत बड़ा मदर प्रॉन पड़ा हुआ है, उससे मैंने तकरीबन कोई 12 मैंने जेड प्रॉन बना लिए हैं। ये देखें, मैंने ये जितने ये जेड प्रॉन्स हैं, ये मैंने 3 आपके सामने पड़े हैं, इस तरह मेरे पास 8-10 और पड़े हुए हैं, मैं सारे मैंने ये कटिंग के थ्रू लगाए हैं। आज आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह इसकी कटिंग लगाई जाती है। और आप यकीन करें, मैं अगर मैं ये कहूँ ना कि इसकी कटिंग सबसे आसान है तो ये गलत नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये जेड प्लांट है, इसकी हमने ये एक्स्ट्रा एक ये शाख ऊपर बढ़ी हुई है, हमने इसको यहाँ से काट दिया। इस तरह दोस्तों ये खूबसूरत भी हो जाता है। ये देखें, तकरीबन एक जैसा हो गया। इसकी जो शाखें हैं ना एक्स्ट्रा, वो हम इसको काट देते हैं। अब ये देखिए, इसको आप चाहें दोस्तों तो आप इसे बेल की सूरत में ही बना सकते हैं। देखें, इसकी हम ये कटिंग सारी इसकी काट रहे हैं। ये एक जैसा पौधा भी बन जाएगा और इसकी कटिंग, ये जितने जो फालतू इसकी शाखें हैं ना, ये सारी कट जाएंगी। ये देखें, हमारे पास कितनी सारी कटिंग जमा हो गई हैं। इसको मज़ीद आप खूबसूरत करना चाहें तो आप ये देखें, इस तरह से देखें कितना प्यारा हो गया। अच्छा, आप याद रखें दोस्तों, आप कोशिश करें, आपने इसको ये जहन में रखें, आपने इसको डिस्प्ले कहाँ करना है। अगर आप इसको दीवार के साथ करना है तो ये देखें, इसकी ये साइड इसको आप छोटी कर दें और ये साइड इसकी बड़ी रहने दें, थोड़ी सी लटकती रहने दें ताकि ये खूबसूरत लगे। लेकिन क्योंकि मैंने अभी आपको ये बताना है कि कटिंग कैसे लगाते हैं, हम इसकी कटिंग कुछ काट लेते हैं ताकि आपको पता चले कि कैसी कटिंग लगाते हैं। ये देखें दोस्तों, ये ऐसे एक साइड से कितना प्यारा बन गया बेल की सूरत में। अगर आप इसको छत पे रखें तो ये बेल, इसकी ये टहनियाँ इतनी लटक जाती हैं कि ये बेल की सूरत में बन जाता है। ये देखें, हमारे ये मेरा जेड प्लांट फिनिशिंग में भी आ गया और ये जो छोटे वाला था ये भी फिनिश में आ गया। और ये देखें, इसकी भी चंद टहनियाँ देखें। ये देखें दोस्तों, इसको भी हम ज़रा इसको फिनिशिंग भी कर लेते हैं इसकी, और इसको हम इसकी जो फालतू टहनियाँ हम काट भी लेते हैं। ये देखें, ये ज़्यादा कट रही हैं, ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपको दिखाने के लिए देखें दोस्तों, मैंने इसकी तकरीबन इसकी भी वही मैंने किया है कि देखें, मैंने इस तरह से एक तरफ से इसकी, ये देखें इसको भी काट लेते हैं। इधर से देखें, हमने इसको इतना छोड़ा हुआ है और जो चीज़ हमने दीवार की तरह डिस्प्ले करनी है उसको हमने ऐसे बेल की सूरत में छोड़ दिया है। ये पूरा गोल बेल की सूरत में बहुत प्यारा बन जाता है। ठीक है, अब इसको हम छोड़ के ये देखें दोस्तों, ये मेरे पास इतनी सारी इसकी कटिंग जमा हो गई। अब दोस्तों, इसकी कटिंग लगाने कैसी हैं? ये इसका जॉइंट है, जॉइंट से हमने इसको कट करना है। ये देखें, ये जहाँ से इसका ये फालतू पत्तियाँ तोड़ दें, ये देखें ये भी एक जॉइंट है, ये फालतू पत्ती हमने तोड़ दी और ये हमने जॉइंट से इसकी कटिंग रख ली। तो दोस्तों, बहुत आसान है इसकी कटिंग। अच्छा, आपने एक ख्याल करना है, जब आप इसकी कटिंग लगाएं, इसको लगा के उसके बाद आपने तकरीबन इसको पानी दे के उसके 1.5 घंटे के बाद इसके आपने दोबारा पानी देना है। क्योंकि पानी जब स्टार्ट में देते हैं ना तो जार के पानी ऊपर रह जाता है, पत्ते मिट्टी के नीचे नहीं जाता। तो एक दफ़ा पानी दे के 1.5 घंटे पर उसको आपने थोड़ा सा पानी और दे देना है ताकि पानी उसके नीचे तक चला जाए। और उसके बाद आपने इसको तकरीबन 3 दिन के बाद पानी देना है। जेड प्लांट को याद रखें, आपने पानी ज़्यादा नहीं देना, ये सर्कुलर प्लांट है। इनको, इसकी पत्तियों में इतना पानी होता है कि दोस्तों इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती। कम पानी देंगे तो ये बच जाएगा, ज़्यादा पानी देंगे तो ये गया, इसकी टहनियाँ गल जाएंगी और ये आपको इसका बहुत नुकसान होगा कि पौधा आपका ज़ाया हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, मैंने कितनी ज़्यादा इसकी, ये देखें कटिंग मैंने काटनी है,
ये अब आपको मैं इसको बताऊंगा कि इसको हमने किस तरह हमने इसको पोर्ट में लगाना है। अच्छा दोस्तों, इसको जब आप लगाएंगे तो आप इसकी जैसे चाहें इसकी शेप बना लें। इसको गमले के चारों तरफ लगा लें, इसको गमले के एक तरफ जैसे मैंने ये दिखाया था आपको, इस तरह एक तरफ लगा लें। आप चाहें इसको चारों तरफ दरमियान टहनियों को लगा लें ताकि हर तरफ को ये फैले। जैसी चाहेंगे आप इसकी शेप बना सकते हैं। ये बहुत इजी ग्रो है, बल्कि सबसे आसान, सबसे जितने पौधे हैं सबसे आसान इसकी कटिंग लगानी है। ये देखिए, हमने इसकी कटिंग सारी काट ली। चलिए जी, इसकी हमने कटिंग दोस्तों सारी तैयार कर ली। ये सारी हमने, ये तकरीबन जॉइंट्स हमने को काटा है, क्योंकि ये जॉइंट्स इसकी रूट्स निकलेंगी और बहुत जल्दी ये यहाँ से ग्रो करेगा। ये देखें, ये इसके जॉइंट्स होते हैं। ये देखें, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, हमने यहाँ से कट कर दिया। अच्छा दोस्तों, अब ये देखें, ये हमारी इतनी कटिंग तैयार हो गई। दोस्तों, मैंने वीडियो बनाने से पहले एक मैंने पॉट तैयार किया है। हमेशा की तरह मैं जो आपको बताता हूँ, मैं जो पॉट में डालता हूँ, बालू मिट्टी, उसके बाद पत्तों की खाद और गोबर की खाद। लेकिन क्योंकि यहाँ इस वक्त बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में हम इस वक्त ज़्यादा इसको गोबर की खाद नहीं डालते, सिर्फ बालू मिट्टी 50% गोबर की खाद और 20% पत्तों की खाद, और थोड़ी सी रेत डाल दें ताकि मिट्टी आपकी जो ना थोड़ी नरम हो जाए और ये आसानी से ग्रो कर सकें। ये मैंने पॉट दोस्तों बना के रखा हुआ है, पॉट का तरीका वही है, मैंने आपको बता दिया जो कुछ मैंने इसमें डाला है। नीचे मैंने एक ठीकरी रखी थी ताकि इसकी रूट्स नीचे ना जाएं। ये देखें, अब हम इसको कटिंग लगाते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, आप इसको आराम से इनको लगाते जाएं और ये देखिएगा आप के चंद दिन के बाद ये जितनी आपने ये इनकी कटिंग लगाई है ये। अच्छा, इसको एक और आपको बात बता दूँ कि जेट प्लांट को आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। इस वक्त हमारे यहाँ पे रेनी सीज़न है, ये देखें, यह रेनी सीज़न है, लेकिन आप अगर इसको चाहें आप इसको सर्दियों में, गर्मियों में, किसी भी मौसम में लगाएं। मैं इनको देखें तकरीबन वहाँ लगा रहा हूँ, ये देखें, इसके साथ मैंने पेंसिल से सुराख भी कर लेता हूँ जहाँ से ये आराम से अंदर इसमें ये लग जाए। ये देखिए, देखें दोस्तों, बहुत आसान इसकी कटिंग। अगर टहनी थोड़ी बड़ी है आप उसको थोड़ा आगे करके लगा दें। ये पेंसिल से सुराख किया और इसके अंदर ये देखिए ये लगा दिया। अब देखें, मैं इसको तकरीबन इस तरह लगा रहा हूँ कि ये चारों तरफ से गोल शेप में ये बने। ये कटिंग थोड़ी लंबी है, इसको हम थोड़ा दरमियान में सेंटर में लगाएंगे, लेकिन आप देखिए तकरीबन एक जैसी आ रही हैं। ये देखो दोस्तों, पेंसिल से मैं सुराख कर रहा हूँ। ये देखें, सुराख किया और उसके बाद मैंने इसको इसमें लगा दिया। दोस्तों, आप भी करें, आप इंशाल्लाह ये एक जेड प्लांट से आप तकरीबन 4-5 माह में आप 10-12 जेड प्लांट बना लेंगे। बहुत प्यारा प्लांट है। अगर इस प्लांट पे दो की जड़ी बूटियां निकले ना, बल्कि किसी भी प्लांट में निकले, तो आप कोशिश किया करें उन जड़ी बूटियों को आप निकाल दें। जड़ी बूटियां जो होती हैं ना, वो सारी आपकी खाद को असर ज़ाया कर देती हैं, वो सारा समझ लें कि वो खाद होती हैं आपकी खाद। ये देखें दोस्तों, इसकी मैंने कटिंग लगा दी सब। देखा, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत आसान है इसकी कटिंग लगानी। मेरा तरीका ये, मैं पेंसिल से सुराख करता हूँ, उससे यह है कि ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, इसकी टहनी ज़्यादा नाजुक होती है, तो वो आसानी से जब सुराख करें ना उसके साथ ये अंदर चली जाती है। ये लीजिए दोस्तों, ये दोस्तों हमने इसकी कटिंग लगा दी और अब हमने इसको देखें, हमारा ये कटिंग तैयार हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा पानी दे देंगे, पानी दे के उसके बाद हम इसको तकरीबन कोशिश करें कि आप आधे घंटे बाद दोबारा पानी दे दें। वैसे तो मेरी मिट्टी, क्योंकि इस मैंने पहले से तैयार की हुई है, उसमें मॉइस्चर है, गीली है, पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पानी देंगे। मैंने तकरीबन सारी पत्तियां की टहनियां जो हमारी ज़ाया ना जाएं, मैंने उसको अपने लिहाज से ये देखें मैंने लगा दिया। अब दोस्तों, ये इस वक्त तो आपको इसकी जो कटिंग है ना, ये देखें, ये आपको लग रहा है कि ये तकरीबन अभी खाली खाली है, लेकिन ये किस्सा भर जाएगा
ये देखिए ये अभी कुछ दिनों के बाद जैसे ये है इस तरह भर बन जाएगा। ये देखिए ये इस तरह बन जाएगा। अब दोस्तों हम इसको थोड़ा सा पानी दे देते हैं। अब क्योंकि मेरे पास अभी इसमें वो मेरा जो शावर है वो ख़राब है, तो मैं देखो ये पानी मिट्टी में ऐसे दूंगा ताकि मिट्टी में ज़्यादा सुराख ना हो। ये देखें अब दोस्तों मैंने इसमें पानी दे दिया। अब क्या करेंगे तकरीबन आधे घंटे के बाद पानी ज़्यादा और देंगे, क्योंकि अभी पानी यहाँ तक आएगा। पानी एक दफ़ा यहाँ तक होना चाहिए एंड तक, ताकि आपका गमला जो है ना पूरा मिट्टी से भर जाए। और एक बात हमेशा याद रखें दोस्तों, आपने जेट प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं देना। आपने अगर चार दिन के बाद इसको पानी दें तो बहुत अच्छा है, वरना हफ्ते बाद पानी दें सर्दियों में। गर्मियों में तकरीबन आप इसको तीन दिन के बाद पानी दें और आपका जो बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और साथ में जो एक घंटी बनी होती है ना उसको दबाएँ, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।